हाय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की बुक फ्लेमिंगो के लेसन गोइंग प्लेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर। अपने भविष्य के बारे में सोफी का क्या सपना है। इज हर ड्रीम रियलिस्टिक, क्या उसका सपना वास्तविक है। आंसर देखेंगे। सोफी चाहती है टू ओन अ बुटीक, अपना खुद का बुटीक रखना। वॉन्ट्स टू बिकम अ मैनेजर, एक मैनेजर बनना चाहती है। एन एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री बनना चाहती है। एंड अ बुटीक ओनर ऑन द साइड, और साथ ही साथ एक बुटीक की मालकिन बनना चाहती है। इट इज सोफीज ड्रीम, ये सोफी का सपना है। अबाउट हर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। हर ड्रीम इज नॉट रियलिस्टिक, लेकिन उसका ये सपना वास्तविक नहीं। She is an over ambitious girl, वह एक अति महत्वाकांक्षी लड़की है। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। What does Sophie's father say when he hears her say? जब सोफी के पिता उसको कहते हुए सुनते हैं, If ever I come into money, यदि कभी मेरे पास पैसा होगा, I will buy a boutique, मैं एक बुटीक खरीदूंगी, तो वे क्या कहते हैं? आंसर देखिए। हियरिंग दिस सोफीज फादर सेज, यह सुनकर सोफी के पिता कहते हैं, इफ यू एवर कम इन टू मनी, यदि कभी भी तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल बाई अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, तो तुम हमें रहने के लिए एक आरामदायक घर खरीद कर दोगी। थैंक यू वेरी मच, इसके लिए तुम्हें बहुत ही धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। What did Jency say to Sophie? Jency Sophie से क्या कहती है? When she expressed her wish, जब वह अपनी इच्छा व्यक्त करती है of buying a boutique, एक बुटीक खरीदने के बारे में। आंसर देखिए। Jency looked doubtful and said, Jency थोड़ी संदेह में दिखती है और कहती है, It needs a lot of money, इसके लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत है सोफ। अगेन सेड, वह दोबारा कहती है, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब सिर्फ कुछ महीनों की ही बात है सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुम्हें अब वास्तव में समझदार हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। हु इज लिटिल डेरिक, छोटा डेरिक कौन है। व्हाट डज ही से अबाउट सोफी, वह सोफी के विषय में क्या कहता है। लिटिल डेरिक इज सोफीज यंगर ब्रदर, छोटा डेरिक सोफी का छोटा भाई है। ही सेज अबाउट सोफी, वह सोफी के विषय में कहता है, शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, उसे लगता है कि पैसा पेड़ पर उगता है। इन शी डेड, वो ऐसा नहीं सोचती है। ही मेक्स फन ऑफ सोफी, वह सोफी का मजाक उड़ाता है। सो शी डज नॉट शेयर हर सीक्रेट्स विद हिम, इसलिए वह अपने रहस्य उसके साथ कभी भी शेयर नहीं करती, बांटती नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। Why did Sophie feel a tightening in her throat? सोफी को अपने गले में जकड़न क्यों महसूस हुई? What did she do then? तब उसने क्या किया? Sophie felt a tightening in her throat. सोफी ने अपने गले में जकड़न महसूस की because her small room was steamy from the stove, क्योंकि उसका छोटा सा कमरा स्टोव की भाप से, and cluttered with the heavy breathing of her father, और उसके पिता की जोर जोर की सांस लेने की आवाज से भरा हुआ है। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, वह अपने भाई जॉफ को ढूंढने चली गई। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका सबसे पसंदीदा चैनल संजीव गोस्वामी। बाय।